हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मसालेदार लच्छा पराठा। आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कितने अच्छे से निकले हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये पराठा हमारा बन करके तैयार हुआ है। इसे हमने हेल्दी बनाने के लिए गेहूं के आटे से ही तैयार किया है और इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे लच्छे आए हुए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पहले से ही आटा लगा के रख लिया था। नॉर्मल जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हमने इसका आटा तैयार किया है। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रोटी बेल ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। फ्रेश घी की जगह आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, पर घी का यूज़ करने से लच्छे जो हैं वो बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, काला नमक डाल लेते हैं और आप चाहें तो इसमें अपने पसंद का कोई और मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला आप इस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से लच्छे बनाने के लिए इस तरह से इसे फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे, जिस तरह हम बचपन में फ़ैन बनाते थे ना पेपर का, उसी तरह से इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो अब हम इसे राउंड शेप में बना लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हमने इसे तैयार किया है। इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और ये जो लास्ट का पार्ट है उसे हम इस तरह से पीछे में लगा लेते हैं, ये देखिए, ताकि ये खुले नहीं। अब आप चाहे तो इसी तरह से इसे बेल सकते हैं या इसमें आप चाहे तो कलौंजी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कलौंजी डाल लिए हैं। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप इसमें काला तेल यूज़ कर सकते हैं या ऐसे भी इसे बनाया जा सकता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं सूखा आटा और चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के इसे ना बेलें, क्योंकि हमने इसमें लच्छे लेके आने हैं और ज़्यादा प्रेशर लगाने से लच्छे जो है वो अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये मसालेदार पराठा जो है वो देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं रखना है। तो चलिए ये पराठा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो गरम तवे पे हम पराठे को रख लेते हैं। ये देखिए कितना ये मज़ेदार सा दिख रहा है, देखने में ही ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। ये लच्छे पराठे खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अलटते पलटते बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है और अब हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं। दोनों तरफ से हमें इसमें ऑयल लगा लेना है और यहाँ देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से इसके लच्छे निकलने लग गए हैं और ढेर सारे इसमें लच्छे बन करके तैयार हुए हैं। तो आप इन लच्छे पराठों को किसी भी करी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लगते खाने के लिए। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये लच्छे पराठे तैयार कर लिए हैं। तो गर्मा गर्म लच्छे पराठे को आप सर्व कीजिए अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ और इस तरह से आप इसे हेल्दी पराठा बना करके तैयार करें, जिसे कि हमने गेहूं के आटे से बनाया है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।